मेरे प्यारे छात्रों, सीजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है दर्पण सूत्र। कौन सा सूत्र? दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र से संबंधित दर्पण सूत्र पर न्यूमेरिकल से सवाल बनाने के लिए आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इस पर जो है हम लोग कैसे वर्क करेंगे, किस तरह से इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे, पहले उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए, दर्पण सूत्र साबित करने के लिए आपको कुछ ज्यामितीय भाग पर ध्यान देना पड़ेगा, ज्यामितीय सिस्टम पर ध्यान देना पड़ेगा, जिसको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इस पर चलेंगे। देखिए, टेंथ क्लास में एक कॉन्सेप्ट है समरूप त्रिभुज का। कौन सा त्रिभुज का? समरूप त्रिभुज का। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, दो त्रिभुज देखने में समान लगते हैं, भले वह बड़ा हो या छोटा हो उससे कोई मतलब नहीं है, देखने में वह एक समान लगते हैं, यही होता है आपका समरूप त्रिभुज, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, दो त्रिभुज देखने में एक जैसे लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो इसको जब हम लोग प्रूफ करेंगे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में जब हम लोग दर्पण सूत्र को साबित करेंगे, तो उसमें जो है आप लोगों का समरूप त्रिभुज से संबंधित कॉन्सेप्ट आएगा, इसलिए मैं उसको पहले समझा देता हूं ताकि समझने में वहां पर बिल्कुल आसानी हो। ये इस तरह का जो सिस्टम आएगा, मान लिया जाए ये त्रिभुज समरूप है, वैसे समरूप होगा ही, समरूप होने के लिए शर्त होता है कि दो कोण उसका बराबर होना चाहिए। तो ये वाला 90 डिग्री है क्योंकि सीधा रेखा है, और यह कोण दोनों जो है समरूप कोण है, तो बराबर होगा ही। तो ये दोनों त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, और जब समरूप त्रिभुज है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। संगत भुजा कौन कौन होगा, लंब और लंब का अनुपात, मतलब मान लिया जाए इसको हम ए बी ओ, इसका नाम जो है सी डी देते हैं, तो लंब है ए बी और यहां पर लंब है सी डी, मतलब सीधा खड़ा और खड़ा, यानी ए बी बटे सी डी देंगे, ठीक है, जो सीधा है खड़ा है खड़ा। फिर ये आधार वाला, आधार वाला देखो, इस त्रिभुज के लिए आधार है बी से ओ तक, और इस त्रिभुज के लिए आधार है सी से ओ तक, और ये वाला कोना कोनी कर्ण है, कर्ण बराबर ए ओ बटे डी, ठीक है। हालांकि हम जब जो इस तीन पार्ट में से जो यूज होगा उसी को लिखना है, तो हम लोग जो पढ़ेंगे इस पे तो ये दो को पार्ट यूज होगा, मतलब लंब बटे लंब सीधा है, मतलब एक तरह से जो खड़ा है खड़ा बटे खड़ा, बराबर स्लीपिंग बटे स्लीपिंग, मतलब इस तरह से आधार के रूप में है, यानी एक सीधा वाला लेना है इस तरह वाला, और एक इस तरह वाला लेना है, तो ए बी सी डी ये हो गया खड़ा वाला, और इस तरह वाला मतलब स्लीपिंग वे वाला में हो गया बी ओ और ओ सी, बी और ओ सी, ठीक है। तो इस तरह का यूज हम लोग करेंगे, तो उस समय आप लोग आसानी से समझ जाइएगा इस बात को, ठीक है। चलिए आते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक पर। तो क्या बताया आपको कि अवतल दर्पण में साबित करना है 1/v + 1/u = 1/f, जैसा कि आप लोग पहले चिन्ह परिपाटी में इस चीज पर हम लोग पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि v जो है वो दर्पण का दूरी सूत्र, प्रतिबिंब दूरी होता है, और u जो है वस्तु दूरी होता है, और f जो है फोकस दूरी होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसका चित्र पर चलते हैं। ये रहा चित्र आपका अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण के लिए ये वाला रेखा हो गया प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष, यहाँ पर ध्रुव होगा, यहाँ पर इसका फोकस दे देते हैं, यहाँ पर सी दे देते हैं, ये एक वस्तु हो गया, ये क्या हो गया, एक वस्तु हो गया,
देखो इस तरह से समांतर प्रकाश किरण जाएगा, ये गया, और ऐसे करके यह दर्पण से टकराने के बाद एफ सी दिशा में चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा ऐसे चलेगा सी से होते हुए ऐसे दर्पण से टकरा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसका नाम दे देते हैं, ये चूंकि वस्तु है, वस्तु का हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसका प्रतिबिंब ये बन रहा है ये वाला, इसको हम लोग आई दे देते हैं, आई फॉर इमेज, ठीक है, आई फॉर इमेज हो गया। तो ओ ए वस्तु, उसका प्रतिबिंब आई भी बन रहा है, ठीक है। ये हो गया एम एन, नाम दे देते हैं एम एन, हो गया आपका अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और ये वाला रेखा जो है इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई, एक्स दे देते हैं इधर और ये वाई दे देते हैं, ठीक है। एक्स वाई आपका क्या हो गया, प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष हो गया। तो देखो हम लोग लिखेंगे कैसे कि एम एन एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष एक्स वाई है, ध्रुव पी है, मुख्य फोकस एफ, वक्रता केंद्र सी है। इसमें दर्पण के आगे रखे वस्तु ओ ए का प्रतिबिंब आई बी बनता है, ठीक। बस इतना लैंग्वेज ही आपको लिखना है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले चित्र आप लोग बना लेंगे, उसके बाद उसका एक्सप्लेन शुरू करेंगे। माना एम एन एक अवतल दर्पण है जिसमें एक्स वाई प्रधान अक्ष कोमा पी ध्रुव कोमा एफ मुख्य फोकस तथा सी वक्रता केंद्र है, सी क्या है, वक्रता केंद्र है। दर्पण के आगे रखी वस्तु, दर्पण के आगे रखी वस्तु ओ ए का प्रतिबिंब, ओ ए का प्रतिबिंब आई बी बनता है। आई बी इसलिए नाम लिखे, आई फॉर इमेज और ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माना वस्तु, तो इसीलिए ओ ए यहां नाम दिया, इसीलिए यहां पर आई बी दे दिया। आई मतलब इमेज, इमेज माना प्रतिबिंब, तो ओ ए का प्रतिबिंब आई बी बनता है, ठीक है। इसमें एक रचना आपको लेना है भाई, रचना क्या लेना है, ये तो एम पी देख रहे हो, इसके बगल में इस तरह से लंब खींचना है एक रेखा जिसका नाम क्यू दे देना है, क्या दे देना है, क्यू। और यह क्यू जो है बिल्कुल पी के नजदीक होता है, क्या होता है, पी क्यू के बिल्कुल नजदीक होता है। इसीलिए किसी भी बिंदु का दूरी चाहे पी से लीजिए या क्यू से लीजिए, दोनों का मान लगभग क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे। चलिए रचना में चलते हैं, रचना एम क्यू लंब एक्स वाई मुख्य अक्ष है, इसलिए एक्स वाई ही लिख देते हैं। आप चाहे तो ओपी लिख सकते हो, आप चाहे तो ओ वाई लिख सकते हो, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हो, बट एक्स वाई लिख दिए। चलिए अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं, उसका नाम हम लोग परमाण दे देते हैं जहां से बनाना शुरू करेंगे। देखिए आपको हम पहले ही बता चुके हैं समरूप त्रिभुज में क्या होता है, समरूप त्रिभुज के में उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो संगत भुजा के रूप में हम लोग आपको बताए कि लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार, यानी एक तरह स्टैंडिंग बटे स्टैंडिंग बराबर स्लिपिंग बटे स्लिपिंग, ठीक है। चलिए अब पहले देखिए इस तरह का आकृति जो आज हम शुरू में बताए थे ये वाला, ये कहां पर बन रहा है, ये ध्यान दीजिएगा कहां पर बन रहा है। देखिए जरा सा गौर से,
ओ ए ओ सी और यहां से बन रहा है तो ए ओ सी और आई बी सी, ठीक है, ए ओ सी और बी आई सी, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। यहां डायरेक्ट लिखेंगे, क्यों लिखुआ इसको नहीं लिखना है, वजह तो देख ही रहे हो कि यह 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री है और यह सम्मुख कोण समान है, तो डायरेक्ट लिखेंगे यहां त्रिभुज ए ओ सी तथा त्रिभुज बी आई सी समरूप है। समरूप पर विशेष चर्चा हम लोग मैथमेटिक्स में जब समरूप त्रिभुज पढ़ाएंगे तो वहां पर करेंगे, अभी बस आप याद रखिएगा सिर्फ कि समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात समान होता है, यानी लंब का अनुपात बटे आधार, लंब का अनुपात और आधार का अनुपात समान होता है। तो जब समरूप है तो समरूप के कारण देखो ए ओ हो गया लंब और इधर लंब हो गया बी आई, तो लिखेंगे ए ओ बटे बी आई, राइट बराबर। अब दूसरा देखो आधार क्या है भाई, तो इस त्रिभुज का आधार है ओ सी, इस त्रिभुज का आधार है आई सी, तो बराबर लिखेंगे ओ सी बटे आई सी, ठीक है, समरूप होने के कारण ऐसा लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज ए ओ बटे बी आई बराबर। ध्यान रखिएगा हम लोग जानते हैं कि दर्पण में कोई भी दूरी कहां से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है, कहां से, ध्रुव से। तो ये दोनों तो लंबवत दूरी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए ओ बटे बी आई वही लिख दिए, लेकिन ये आधार वाला जो दूरी हम लोग लिखेंगे उसमें पी का शामिल होना जरूरी है, किसका, पी का। तो देखो ओ सी है इसमें भी पी नहीं है, आई सी है इसमें भी पी नहीं है, जबकि इस सारे मान में पी होना चाहिए क्योंकि कोई भी डिस्टेंस पी से मापा जाता है। अब जरा से एक छोटा सा उदाहरण आप समझो, ध्यान से समझना भाई। मान लिया जाए यह पूरा लंबाई है, ए बी इसका नाम दे देते हैं, इसमें से इतना को जो है 7 मीटर है और यह टोटल जो है 18 मीटर है, मान लिया जाए। तो आपको पूछेंगे, यहां पर नाम दे देते हैं पी, आपको पूछेंगे पी से बी तक का डिस्टेंस कितना होगा, पी से बी तक का डिस्टेंस, तो आप तुरंत बता दीजिएगा कितना होगा, 18 है, 18 में इतना को 7 घट जाएगा तो 11 मीटर होगा। तो आप पी बी के बदला में क्या लिखे, क्या लिखे भाई, तो पी बी के बदला में ए से जो है बी का दूरी लिए, पूरा लंबाई में ए से पी तक को दूरी को क्या किए, घटा दिए। तो पूरा लंबाई में कुछ लंबाई को हम लोग घटा दिए तो हमको पी बी का मान निकल गया। जस्ट लाइक यहां पर देखो ओ सी, ओ और सी दोनों पी से दूर पर है, तो पहले ज्यादा दूर पर कौन सी है, ओ है, तो पी से ओ वाले दूरी में पी से सी वाले दूरी को घटा देंगे तो ओ सी बचेगा, है ना, पी से ओ में पी से सी तक घटा देना है, सीधा सीधी याद रखिएगा, ओ सी लिखा हुआ है ना, तो ओ सी लिखा हुआ है तो पी से ज्यादा दूर पर कौन स्थित है, ओ स्थित है, तो पी ओ में पी सी को घटा देना है, राइट, नहीं समझे, चलिए नहीं समझे तो आई सी पर समझो। आई और सी में देखो कौन सा डिस्टेंस पी से ज्यादा दूर पर है, आई और सी देख रहे हो, तो पी से आई ज्यादा दूर पर है कि पी से सी ज्यादा दूर पर है, तो सी ज्यादा दूर पर है तो लिखेंगे पी सी घटाओ पी आई, राइट, इसको समीकरण एक मान लीजिए। अब देखो एक समरूप तो मिल गया, एक और समरूप आपको मिलने जा रहा है, उसका हम चित्र पहले साइड में बता दे तो आपको समझ में आ जाएगा, इस तरह का चित्र आपको कहीं न कहीं पर नजर आता होगा, जरा सा गौर से देखिए, मतलब उस साइड ऊपर और इस साइड नीचे, देखो वो त्रिभुज आपका ये वाला है, मैं इसे थोड़ा सा डार्क कर रहे हैं, ये और ये वाला, ठीक है, इसका नाम हो गया एम क्यू एफ बी आई एफ, एम क्यू एफ बी आई एफ, यहां लिखेंगे त्रिभुज एम क्यू एफ तथा त्रिभुज
आई एप समरूप है, ठीक है। और जब समरूप है तो समरूप में सेम कॉन्सेप्ट, लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। तो लंब है आपका एम क्यू, है ना, तो यहां लिखेंगे एम क्यू बटे आधार है, सॉरी लंब बटे लंब, लंब इधर भी आई है, बराबर आधार बटे आधार। आधार है इधर क्यू एफ और आई एफ, इधर लिखेंगे क्यू एफ बटे आई एफ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, इधर इस दूसरे साइड ध्यान दीजिएगा। हम देखो भाई एम क्यू ये रेखा और ए ओ रेखा एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, ए ओ और एम क्यू समांतर रेखा ए एम और ओ क्यू के बीच स्थित है। इसका मतलब ओ ए और क्यू एम दोनों का लंबाई क्या होगा, समान होगा। तो यहां पर एम क्यू के बदला ए ओ लिख सकते हैं, तो यहां लिखेंगे दिस इंप्लाइज ए ओ बटे बी आई बराबर, यहां कारण दे देंगे चूंकि ए ओ बराबर क्यू एम, ठीक है। चलिए क्यू एफ के बारे में सोचते हैं। देखो भाई क्यू, आपको हम एक चीज पहले क्लियर किए थे कि पी और क्यू बहुत ही नजदीक है, बिल्कुल एकदम सटा हुआ, लगभग यहां पर थोड़ा सा हम दूर कर रहे हैं लेकिन P और Q बिल्कुल नजदीक है, इसीलिए P से किसी बिंदु का दूरी और Q से किसी बिंदु का दूरी बिल्कुल समान होगा, मतलब लगभग बराबर होगा। इसीलिए QF के जगह पर हम लोग PF भी लिख सकते हैं। तो यहां पर देख रहे हो QF आपको दिख रहा है, तो QF के बदला PF लिखे क्योंकि ये दोनों बहुत ही नजदीक है, तो QF के बदला हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, PF। और PF लिखने का वजह भी यही, ये आपको पता ही है कि हम कोई भी दूरी दर्पण में कहां से नापते हैं, ध्रुव से नापते हैं, और ध्रुव हमारा P है, इसीलिए PF। इसीलिए QF के बदला हम लोग PF लिख देते हैं, और इसका वजह क्या हुआ, QP के QP के अत्यंत निकट है। चलिए इस दोनों का बजाय इस ब्रैकेट में लिखते हैं, आते हैं अब नीचे। नीचे क्या लिखा हुआ है, आई एफ। तो आई एफ के लिए क्या करेंगे, आई एफ देखो कौन ज्यादा दूर पर है, आई है या फिर एफ है, पी से ज्यादा दूर पर आई है, पी से ज्यादा दूर पर आई है, तो पी आई में पी एफ को घटा देना है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर दूसरा, राइट। अब यहां पर कौन कौन सा मान क्या क्या लिखा हुआ है उस पर चलते हैं, देखिए कौन सा मान क्या क्या लिखा हुआ है। ओ से पी देखो जितना भी, पहले सॉरी समीकरण एक और दो से चलते हैं, पहले समीकरण एक और दो से, दोनों का लेफ्ट बराबर है, देखो ए ओ बी आई ए ओ बी आई मिल रहा है, तो राइट भी बराबर होगा, राइट है इसमें पी ओ पी सी पी सी पी आई, पी ओ घटाओ पी सी बटे पी सी घटाओ पी आई बराबर पी एफ बटे पी आई घटाओ पी एफ, ठीक है। चलिए अब सारा मान इस पे बैठाते हैं, जो जो मान लिखा हुआ है हम लोग देखेंगे इस चित्र में कौन सा मान क्या क्या है, तो उसको लिखते हैं पहले। यहाँ पी ओ देख रहे हो, पी ओ देखो पी से ओ तक का दूरी, पी से ओ तो वस्तु है, तो ये वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी को हम लोग कौन चीज से सूचित करते हैं, यू से। और आप एक चीज जानते हैं कि लेफ्ट में दर्पण के पहले या दर्पण के आगे जो भी दूरी होता है वह कौन सी में होता है, निगेटिव में, राइट। चलो पीओ के बाद देखो अगला नंबर है पी सी, पी से सी तक का दूरी, ये तो ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र यानी उसको R और R का लंबाई 2F के बराबर होता है, तो P से C तक का डिस्टेंस के बदला हम लोग लिखेंगे 2F। और चिन्ह क्या लिखेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट दर्पण के आगे है तो इसका चिन्ह भी निगेटिव,
चलिए पीओ हो गया, पीसी हो गया, पी आई, पी आई, आई पर दर्पण का प्रतिबिंब बन रहा है, तो पी आई बराबर लिखेंगे माइनस बी, पी आई भी हो गया। और लास्ट आप दूसरे साइड चलते हैं, पी एफ, पी से एफ तक का दूरी देखो क्या है, पी से एफ तक का दूरी ये फोकस दूरी है, फोकस दूरी हम लोग क्या लिखेंगे माइनस एफ। ठीक, अब सारे मान को इसमें बैठा दो, इसलिए देखो डायरेक्ट बैठा रहे हैं, पीओ की जगह माइनस यू रखे, पी सी के जगह माइनस टू एफ रखेगा, माइनस पहले से है तो प्लस टू एफ, नीचे आते हैं पी सी माइनस टू एफ, माइनस पी आई, पी आई के बदला माइनस भी है तो प्लस भी, पी एफ के बदला माइनस एफ, पी आई के बदला माइनस भी, पी एफ के बदला माइनस एफ है तो माइनस माइनस प्लस एफ, कोना कोनी गुना कर दो, माइनस यू प्लस टू एफ इंटू माइनस भी प्लस एफ बराबर इधर हो गया, बराबर माइनस टू एफ प्लस भी इंटू माइनस एफ। ठीक है, चलो इसको अब गुना करते हैं, माइनस बी को दोनों से गुना करते हैं, माइनस माइनस प्लस यू भी माइनस टू भी एफ माइनस यू एफ प्लस टू एफ स्क्वायर, राइट साइड वाला गुना करते हैं टू एफ स्क्वायर माइनस बी एफ, टू एफ स्क्वायर, टू एफ स्क्वायर मिल रहा है, दोनों साइड कट गया, टू भी एफ को उधर भेज दो, यू भी को इधर रहने देते हैं, सबको उधर, बराबर माइनस भी एफ पहले से है प्लस टू भी एफ प्लस यू एफ, ये हो गया यू भी, बराबर इसको घटाते हैं तो ये हो गया भी एफ प्लस यू एफ। ठीक है, अब दोनों साइड यू भी एफ से भाग दे दो, यहां लिखेंगे प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद में यू भी एफ से भाग देने पर, भाग देते हैं तो ये हो गया यू भी बटे यू भी एफ बटे यू एफ बटे यू भी एफ, तो देखो यू भी कट गया, भी एफ कट गया, यू एफ कट गया, तो बचा वन बाय एफ बराबर वन बाय यू प्लस वन बाय भी। देखो यही साबित करना था, आप एक लाइन में सजा करके लिख देंगे, इसलिए वन बाय भी प्लस वन बाय यू बराबर वन बाय एफ, यह अभिष्ट व्यंजक। ठीक है, ये देखने के बाद ये लिख दो, यह अभिष्ट व्यंजक है, प्रूफ। चलिए पूरा कर लीजिए इसको अच्छे से, चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यह था अवतल दर्पण में, अब चलते हैं उत्तल दर्पण में।
उत्तल दर्पण में। देखिए उत्तल दर्पण में भी समरूप टाइप का कॉन्सेप्ट आएगा, तो समरूप में इस तरह का इसमें यूज करेंगे। जैसे ये त्रिभुज है, ये आया, इसी के अंदर एक और इस तरह से त्रिभुज आ जाएगा। ये बड़ा वाला त्रिभुज नाम दे देते हैं, ए बी यहां पर ओ सी डी ओ, तो लंब हो गया ए ओ और सी डी, ए बी बटे सी डी, मतलब ये स्टैंडिंग वे में हो गया। अब नीचे वाला देखो क्या क्या है, नीचे वाला बड़ा त्रिभुज में ये स्लीपिंग वे में जो है वो है बी ओ, और दूसरे त्रिभुज के लिए है डी ओ, ठीक है। तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट आएगा यहां भी, तो आप लोग समझ लेना। चलो पहले चित्र बनाते हैं इसका। ये चूंकि अवतल दर्पण है, सॉरी उत्तल दर्पण है, चलो ये हो गया, ये हो गया आपका प्रधान अक्ष, ये हो गया वस्तु, दर्पण से टकराया, दर्पण से टकराने के बाद ऐसे परावर्तित हो जाएगा, तो उसको ऐसे करके पीछे डॉटेड लाइन के साथ बढ़ा देना है, ठीक है। चलो ये हो गया आपका मुख्य फोकस, ये हो गया वस्तु ओ ए। अब इसका जितना दूरी पर ये है उसके दोगुना दूरी पर सी लिख दीजिए। अब इसको ऐसे करके मिला देना है, मिल गया। अब यही इसका प्रतिबिंब हुआ, प्रतिबिंब ये हो गया मुख्य ध्रुव या ध्रुव एम एन, यहां से लंब डालते हैं, इसका नाम क्यू डाल दिए, ठीक है। ये हो गया चित्र, आप लोग बना लो और इस पे लिखते हैं। देखो एक बार पहले पढ़ देते हैं, समझा देते हैं, उसके बाद लिखेंगे। एम एन एक उत्तल दर्पण है, ये नाम दे देते हैं एक्स वाई, जिसमें एक्स वाई प्रधान अक्ष, पी ध्रुव, एफ मुख्य फोकस तथा सी वक्रता केंद्र है। दर्पण के आगे रखी वस्तु ओ ए का प्रतिबिंब ये बन रहा है, आई बी बनता है, ठीक है। चलिए लिखते हैं, माना एम एन एक उत्तल दर्पण है, जिसमें जिसमें प्रधान अक्ष एक्स वाई, ध्रुव पी, मुख्य फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी है, ठीक है, जो जो है लिख दिया। अब किसी वस्तु का प्रतिबिंब ओए का प्रतिबिंब आई बन पी बनता है, दर्पण के आगे रखी वस्तु ओए का प्रतिबिंब आई बी बनता है, ओए का प्रतिबिंब आई बी बनता है, ठीक है। अब इसमें भी रचना जैसा कि उसमें किए थे, तो रचना क्या किए हैं, एम क्यू लंब डाले हैं, कौन सी पर, एक्स वाई पर, तो लिखेंगे एम क्यू लंब एक्स वाई खींचा। अब
प्रमाण पर चलते हैं जहां से बनाना शुरू करेंगे। तो आपको इसमें जो है इस तरह का आकृति होगा, ए बी ओ और सी डी ओ, ये दोनों इस तरह का त्रिभुज होगा, समरूप त्रिभुज होगा। तो देखो इस तरह का बन रहा है ए ओ सी और बी आई सी, तो लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज ए ओ सी, ए ओ सी और बी आई सी, त्रिभुज बी आई सी समरूप है, और जब समरूप है तो लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार, लंब है ए ओ बटे इधर है लंब बी आई, है ना। आधार देखो, आधार ये नीचे वाला बड़ा त्रिभुज के लिए आधार हो गया ओ सी, जैसे उसके लिए आधार बताए थे बी ओ, और दूसरे त्रिभुज के लिए आधार डी ओ, वैसे इसके लिए बड़ा त्रिभुज के लिए आधार ओ सी और छोटा त्रिभुज के लिए आधार आई सी, तो ओ सी बटे आई सी, सिंपलाइज ए ओ बटे बी आई। कोई भी दूरी पी से नापना है तो पी से देखो सी का पोजीशन क्या है, ओ और सी दोनों का पोजीशन, तो पी जो है ओ और सी के बीच में है, तो ओ सी का मान पी ओ और पी सी इस दोनों के योग के बराबर है, ओ सी के बदला लिखेंगे पी ओ जोड़ पी सी। आई सी देखो, आई सी पी के राइट साइड ही स्थित है, तो आई सी ज्यादा दूर पर पी से सी है और कम दूर पर आई है, तो पी सी में पी आई को घटा देंगे, आई सी के बदला लिखेंगे पी सी घटा पी आई, समीकरण नंबर पहला। पुनः फिर से देखिए कौन कौन सा त्रिभुज है उसी तरह का, ए ओ ए बी ओ और सी डी ओ उसी तरह का, देखो इस बार ये आपको मिल रहा है एम क्यू एफ, एम क्यू एफ पुनः त्रिभुज एम क्यू एफ तथा दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है, दूसरे त्रिभुज का नाम है बी आई एफ। देख लो अच्छे से, गौर से देखो उसी तरह का आकृति बन रहा है, इतना छोटा त्रिभुज, उसको थोड़ा डार्की करते हैं समझने के लिए, और दूसरा ये छोटा त्रिभुज, दोनों एक दूसरे में स्थित है, बड़ा त्रिभुज में छोटा वाला स्थित है। तो एम क्यू एफ तथा त्रिभुज बी आई एफ कौन सी है, समरूप है, और जब समरूप है तो समरूप में दोनों का लंब, लंब है एम क्यू बटे बी आई, तो एम क्यू बटे बी आई बराबर आधार, देखो छोटा बड़ा त्रिभुज का पहले आधार क्यू से एफ तक है और छोटा त्रिभुज का आधार आई से एफ तक है, तो क्यू एफ बटे आई एफ, ठीक है। चलिए दूसरे साइड चलते हैं, देखो आप ये रेखा ए ओ और एम क्यू ये एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, तो इसका मतलब ए ओ और एम क्यू आपस में बराबर है, एक एम क्यू के बदला ए ओ दे देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर ए ओ बटे बी आई बराबर इधर जो है सो है ही, तो इसमें बजा पहला देंगे चूंकि ए ओ बराबर एम क्यू। और दूसरा चीज आपको, जैसा कि हमने इससे पिछला थ्योरम में समझाया था, सेम वही चीज कि पी क्यू जो है बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक स्थित है, पी क्यू एक दूसरे से बिल्कुल नजदीक स्थित है, तो पी से किसी का दूरी लीजिए या क्यू से किसी का दूरी लीजिए, दोनों दूरी क्या होगा, समान होगा। तो यहां से देखो क्यू से एफ तक का दूरी लिखा हुआ है, तो क्यू एफ के बदला में हम लोग पी एफ लिख सकते हैं, वजह पी क्यू बिल्कुल नजदीक है, थोड़ा सा दूर दिखा रहे हैं लेकिन यह बिल्कुल और भी नजदीक है, तो क्यू एफ के बदला हम लोग लिखेंगे पी एफ, और वजह क्या देंगे कि पी क्यू के अत्यंत निकट है, क्यू पी के अत्यंत निकट है, ये इसका वजह हो गया।
और इधर देखो आई एफ, तो आई एफ के बदला में देखो आई ज्यादा दूर पर स्थित है या एफ ज्यादा दूर पर स्थित है, तो पी से ज्यादा दूर पर स्थित एफ है, तो पी एफ में पी आई को घटा देना है। ये लिखेंगे पी एफ घटाओ पी आई, ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा। तो पहला और दूसरा से देखो आप दोनों का लेफ्ट बराबर है तो दोनों का राइट भी बराबर होगा, एक और दो से पीओ जोर पीसी डिवाइडेड बाय पीसी घटाओ पीआई बराबर पीएफ बटे पीएफ घटाओ पीआई। ठीक, चलो अब जो जो दूरी दिया गया है सबका शॉर्टकट नोटेशन लिखते हैं। जैसे पीओ, पी से लेकर के ओ तक, ओ पर वस्तु स्थित है तो पी ध्रुव है, ध्रुव से वस्तु का दूरी वस्तु दूरी, तो पी ओ हो गया आपका माइनस यू, राइट। पी से सी तक का दूरी, पी से सी देखो ये सी वक्रता केंद्र है तो ध्रुव से वक्रता केंद्र का दूरी वक्रता त्रिज्या, पी सी बराबर वक्रता त्रिज्या को टू एफ। और उधर वाला जितना भी मान होगा दर्पण के बाद वाला मान वह सब पॉजिटिव होगा, तो पीसी पॉजिटिव हो गया। चलिए नीचे आते हैं, पीओ पीसी हो गया, पीसी हो गया पी आई, देखिए पी आई, आई पर वस्तु का प्रतिबिंब बना हुआ है तो पी आई हो गया वस्तु प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से सूचित करते हैं, और दर्पण के राइट साइड में है, दर्पण के बाद है तो वो भी पॉजिटिव होगा। इधर वाला सारा हो गया, अब इधर आते हैं पी एफ, पी एफ भी राइट साइड ही स्थित है तो यह भी मान एफ हो जाएगा। ठीक, चलिए मान बैठाइए, माइनस यू पी सी का प्लस टू एफ, टू एफ माइनस पी आई का भी, पी एफ का एफ, एफ पी आई का भी। चलिए कोना कोनी गुणा करते हैं, माइनस यू प्लस टू एफ, एफ माइनस भी बराबर एफ इंटू टू एफ माइनस, ये हो गया आपका माइनस यू एफ प्लस यू भी प्लस टू एफ स्क्वायर माइनस टू भी एफ, इधर हो गया टू एफ स्क्वायर माइनस भी एफ। देखो तो कुछ कट रहा है, ये टू एफ स्क्वायर कट गया, लेफ्ट में जितना भी निगेटिव है सबको राइट भेज दो, माइनस सॉरी यू भी बराबर माइनस भी एफ पहले से था राइट में, ये दोनों चला गया प्लस यू एफ प्लस टू भी एफ, यू भी बराबर ये घट गया तो एक भी एफ बचा, टू भी एफ में भी एफ गया भी एफ प्लस यू एफ। अब प्रत्येक पद में यू भी एफ से भाग दे दीजिए, प्रत्येक पद में यू भी एफ से भाग देने पर, यू भी एफ से इसलिए भाग दिए क्योंकि हमको बटे के रूप में साबित करना था, इसलिए ये हो गया यू भी बटे यू भी एफ बटे यू भी एफ प्लस यू एफ बटे यू भी एफ, जो कट रहा है यू भी कट रहा है, भी एफ कट रहा है, यू एफ कट रहा है, ये बचा वन बटे एफ बराबर वन बटे यू प्लस वन बटे भी, फुल तो गया बस इसको सजा करके लिख दो, इसलिए वन बटे भी प्लस वन बटे यू बराबर वन बटे एफ। यह अभिष्ट व्यंजक है। ठीक है, तो ये था उत्तल दर्पण में साबित करने के लिए दर्पण सूत्र। ठीक है, तो जो भी आज आपको दो को फॉर्मूला प्रूव करने के लिए बताया गया उसको आप लोग अच्छे से एक दो बार बना लेना, खूब आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन भी 6 मार्क्स का पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कल जो है हम लोग
जो आज आपने सूत्र पढ़ा उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल से सवाल करेंगे, और कल जो है इस चैप्टर का आपका लास्ट क्लास होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल न्यूमेरिकल सवाल के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।